प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा आठवीं व्याकरण की पाठ पुस्तक के अंतर्गत पाठ 10 कारक का बुक वर्क करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो बुक वर्क किया जाएगा, जो अभ्यास कार्य किया जाएगा, उसे अब भली भांति समझेंगे और अपनी व्याकरण पुस्तक में जहाँ इसके लिए जगह है, बुकवर्क के लिए जगह है, वहाँ आप लिखेंगे और इसे भली भांति समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक व्याकरण के अंतर्गत पाठ 10 कारक का बुकवर्क करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहले प्रश्न के अंतर्गत 3 उपप्रश्न हैं, तो इनका उत्तर आप कारक से संबंधित जो मेरा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है। और भी कई प्रश्नों के उत्तर वहाँ दिए गए हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। तो प्रश्न 1 को छोड़कर हम प्रश्न 2 को समझते हैं। यहाँ जो प्रश्न 2 है, इसमें कहा गया है कि नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए लिंग वचन तथा कारक बताइए। यहाँ नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग वचन तथा कारक बताइए। यहाँ प्रश्न 2 का क है, कोयल आम की डाली पर बैठी है। यहाँ डाली पर डाली स्त्रीलिंग शब्द है, तो लिंग की दृष्टि से स्त्रीलिंग है। डाली एक ही है इसलिए एक वचन है, और यह कारक के हिसाब से अधिकरण कारक है, क्योंकि डाली पर, जैसा आपको पता है कि अधिकरण की विभक्ति होती है में और पर, जहाँ स्थान और समय को बताया जाता है, तो इसलिए यहाँ डाली पर यह अधिकरण कारक है। प्रश्न 2 का ख है, मैंने रुचि के लिए पुस्तक मंगवाई। रुचि के लिए, रुचि जो है लड़की का नाम है, तो इसलिए रुचि स्त्रीलिंग शब्द है। रुचि एक ही है इसलिए एक वचन है, और के लिए इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है को के लिए, जहाँ किसी को कुछ देने का भाव होता है, इसलिए संप्रदान कारक है। ग है, चाचा जी कल ही सूरत से आए हैं। चाचा जी कल ही सूरत से आए हैं, जो सूरत शब्द है वह स्वयं ही पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, क्योंकि सूरत एक ही जगह का नाम है, और यह अपादान कारक है, क्योंकि सूरत से आने का काम हो रहा है, सूरत से अलग होने का भाव है, इसलिए यह अपादान कारक है। इसके बाद है घ, अरे बच्चों शोर मत मचाओ। अरे बच्चों, यह पुल्लिंग है, बच्चियों नहीं है बल्कि बच्चों है, इसलिए पुल्लिंग शब्द है, और बहुवचन है क्योंकि कई बच्चे हैं, इसलिए यहाँ अरे बच्चों बहुवचन शब्द है। और संबोधन कारक है, यहाँ संबोधन किया जा रहा है, संबोधन दिया जा रहा है, इसलिए अरे बच्चों संबोधन कारक है। अंग है, मदारी ने बंदर का नाच दिखाया। मदारी ने, मदारी पुल्लिंग शब्द है, मदारी एक ही इसलिए एक वचन है, और यह कर्ता कारक है। मदारी बंदर का नाच दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए कर्ता कारक है। इसके बाद चौ है, झाड़ू से कूड़ा बाहर कर दो। झाड़ू पुल्लिंग शब्द है, झाड़ू एक वचन है, एक ही झाड़ू से कूड़ा बाहर करने की बात की जा रही है, और यह करण कारक है, क्योंकि झाड़ू से कूड़ा को बाहर करने का काम किया जा रहा है। झाड़ू एक साधन के रूप में है, और करण कारक की विभक्ति से है, साधन के रूप में से है, इसलिए यहाँ पे करण कारक है। से जो विभक्ति है यह अपादान की भी विभक्ति है और करण की भी विभक्ति है, लेकिन अपादान में क्या होता है, अलग होने का भाव दिखाता है, और करण में वह साधन के रूप में काम आता है, इसलिए यहाँ झाड़ू से यह करण कारक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए उचित परसर्ग द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पुस्तक में परसर्ग दिया गया है, कई परसर्ग हैं अलग अलग कारक के, वहाँ जो उचित परसर्ग है उसको आपको छांटना है। तो क है, कुसुम ने कुएं से पानी निकाला। यहाँ से ने और में दिया हुआ है, इसमें कुसुम ने, कुसुम कर्ता कारक है इसलिए ने, और कुएं से पानी निकाला, कुएं से पानी निकालने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ने और से है। ख, पिताजी प्रतिदिन बस से दफ्तर जाते हैं। यहाँ से में और पर दिया हुआ है, इसमें से सही है क्योंकि जो से है वह साधन के रूप में काम कर रहा है। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है।
उच्च शिक्षा के लिए, यहाँ के लिए क्या है, संप्रदान कारक है। इसके बाद है साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न की उपाधि मिली, तो साइना नेहवाल को यहाँ पे को होगा। अंग है उसके गाल पर एक तिल है, यहाँ पर में और पर अधिकरण कारक है, आपको पता ही है, तो यहाँ उसके गाल पर एक तिल है, यहाँ पर होगा। में पर और का की जगह पर सही परसर्ग है। इसके बाद चौ है खेल मंत्री ने सभी स्टेडियमों का निरीक्षण किया, यहाँ पहला ने है और दूसरा का है, यानी पहला क्या है कर्ता कारक है, खेल मंत्री कर्ता कारक, और सभी स्टेडियम में यहाँ पे कर्म कारक है, इसलिए ने और का होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है नीचे दिए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा उन्हें सही कारक से मिलाइए। तो यहाँ जो चार क में दो वाक्य और ख में दो वाक्य दिया हुआ है उसके सामने में कारक दिया हुआ है, तो हम यह देखना है कि कौन किस कारक के अंतर्गत वाक्य है। तो क है मीना को पुस्तकें चाहिए, तो इसमें मीना को पुस्तकें चाहिए कर्म कारक है, क्योंकि मीना को पुस्तकें चाहिए, यहाँ पुस्तकें जो है ना कर्म कारक है, मीना कर्ता कारक। यहाँ मोहन को मिठाई दो, यहाँ मोहन को मिठाई देने का काम हो रहा है, इसलिए यह संप्रदान कारक है, मोहन को मिठाई देने का काम हो रहा है, संप्रदान कारक है। इस बात ख है कलम से दीवार पर मत लिखो, तो कलम से दीवार पर लिखने का काम हो रहा है, इसलिए करण कारक है, क्योंकि कलम क्या है साधन के रूप में है। और उसके नीचे वाला वाक्य है चूहा बिल्ली से डर गया, यह अपादान कारक है, क्योंकि अपादान कारक में एक जगह से अलग होने का भाव है तथा भय का भी भाव है, जिस कारक में भय का भाव होता है वह अपादान कारक होता है, अलग होने का भाव भी हो तो वह अपादान कारक है। तो यहाँ पे डर का भाव है, भय का भाव है, क्योंकि जो चूहा बिल्ली से डर रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। यहाँ ये जो चार कारक दिया हुआ है, चार बातें हैं और उनके सामने जो कारक दिए गए हैं ये सभी सही कारक हैं, सभी सही कारक हैं, इसलिए उनको सामने सीधे तौर पर लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 5 है उचित परसर्ग लगाकर वाक्य को सार्थक बनाइए। यहाँ परसर्ग नहीं है, उचित परसर्ग लगाना है। अध्यापक छात्रों कविता पढ़ाई, यहाँ होगा अध्यापक ने छात्रों को कविता पढ़ाई, अध्यापक ने अध्यापक कर्ता कारक, छात्रों को छात्रों कर्म कारक है, इसलिए छात्रों को कविता पढ़ाई। समुद्र लहरें उठती हैं, यहाँ होगा समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, यहाँ पे मैं होगा, क्योंकि तो मैं और पर क्या है अधिकरण कारक है, और यहाँ जो मैं है समुद्र को बता रहा है। इसके बाद है पहाड़ों झरना गिरता है, तो यहाँ होगा पहाड़ों से झरना गिरता है, पहाड़ों से झरना गिरने का काम हो रहा है। इसके बाद घ है अजंता गुफाओं चित्रकारी बहुत सुंदर है, तो यहाँ अजंता की गुफाओं की चित्रकारी बहुत सुंदर है, तो इस तरह से यहाँ पे हम परसर्ग लगा सकते हैं। अब प्रश्न 6वां है एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखना है। क है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। ख है क्रिया के करने के साधन को क्या कहते हैं, तो करण है। ग है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो कर्म है। घ क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, तो कर्ता है। अब यहाँ प्रश्न 7वां है नीचे दिए कारकों के सामने उनके कारक चिन्ह और उदाहरण लिखिए। उदाहरण दिया हुआ है कारक है कर्ता कारक चिन्ह है ने, उदाहरण है छात्र ने, तो इसी तरह यहाँ पर हो सकता है कर्म को कारक चिन्ह और उदाहरण है छात्र को, करण का कारक चिन्ह है से के द्वारा, उदाहरण हो सकता है कलम से या कलम के द्वारा, संप्रदान का कारक चिन्ह है को के लिए, तो इसका हो सकता है उदाहरण में छात्र को गरीब के लिए या छात्र के लिए, अपादान का होगा से तो उदाहरण हो सकता है हिमालय से, अधिकरण का है मे पर तो उदाहरण हो सकता है घर में और छत पर। तो इस तरह से बच्चों आपने पाठ 10 कारक का अभ्यास कार्य किया, इसे आप अपनी
पुस्तक में लिख लीजिए, ये जो जगह है यहाँ पे लिखना है और इसे अच्छी तरह से याद भी कर लें। परीक्षा में यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उनका उचित उत्तर दे सकेंगे, इसलिए आप अच्छी तरह से इन्हें पढ़ लें, समझ लें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने उस डाउट को, उस समस्या को लिख सकते हैं और मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।